सीमा के घर में खाने के लिए खाना तक नहीं बचा है। सीमा और अंजू की कहानियां तो हम रोज सुनते हैं, रोज एक नए एंगल से उनकी बातें सुनते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं सीमा के घर में, जो भारत का घर है जहां पे वो आई है पाकिस्तान का बॉर्डर पार करके, उस घर में खाने के लिए खाना तक नहीं बचा है। आपको बता दूं, सीमा के जो ससुर हैं नेत्रपाल मीणा, उनका एक वीडियो सामने आया, सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा वायरल भी हो रहा है। वीडियो में नेत्रपाल का कहना है कि पुलिस के कारण घर के बाहर हम नहीं निकल पा रहे हैं और घर में हालत ऐसी हो गई है कि खाने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। नेत्रपाल मीणा ने कहा कि हम लोग दिन भर घर में पड़े रहते हैं, हमने अपनी समस्या को स्थानीय थाना प्रभारी तक पहुंचाया ताकि वो वरिष्ठ अफसरों तक पहुंचा सके, हमारी समस्या का कुछ हल निकाला जाए, नहीं तो भूखा रहने की नौबत आ जाएगी। हमारे पास पैसे कमाने का कोई जरिया नहीं है, पुलिस के कारण घर के बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, घर के हालात ठीक नहीं है, खाने पीने में भी दिक्कत होने लगी है, घर का राशन भी खत्म होता जा रहा है। सीमा सचिन और नेत्रपाल से UPATS लगातार कई दिनों से पूछताछ कर रही है। इस दौरान सीमा हैदर के पाकिस्तानी जासूस होने से संबंधित कोई भी तथ्य सामने नहीं आए हैं। आपको बता दें, आज से कुछ महीने पहले पबजी गेम खेलने के दौरान सचिन और सीमा में दोस्ती हुई थी, जिसके बाद दोस्ती ने प्यार का रूप ले लिया और सीमा नेपाल के रास्ते अवैध रूप से अपने 4 बच्चों के साथ ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा में सचिन के साथ रहने के लिए आ गई। जब इसकी जानकारी पुलिस को हाथ लगी तो पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन बाद में न्यायालय ने दोनों को जमानत पर रिहा कर दिया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।